जतन अग्रा कैंडिडेट जगदीश देव वर्मा जनरल सेक्रेटरी आईएमपीटी चित्त बाबू कैंडिडेट रोनियन देव वर्मा गणेश देव वर्मा सिंधु कन्या और कहा है कैंडिडेट उमा शंकर आईएमपीटी सब लोग आ गया और कुबागरा भी क्या ओ अपना रविंद्र बाबू है जूनियर रविंद्र सिमना से और कुबागरा भी कैंडिडेट है ताकत जला से जमपुर जला ताकत जला से कहां आज खुमलुंग में बुबागरा यहां में आया है। आपको ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण सुनने के लिए कोई दरकार नहीं है। बुबागरा आपको सिर्फ दो या तीन चीज बोलेगा। थामचा उंगी थामचा रखो सत्तर साल से तीपरासा का थामचा तोड़ा गया है। कभी देव वर्मा कभी रंगखोल कोलोय जमतिया रियांग उच्च इकाई पेंटर की पुनमीन तोहफा में तीपरासा का थामचा तोड़ा है। तो कभी आमी सीपीएम आमी कांग्रेस आमी आईएनपीटी आईपीएफटी टीयूजेएस बीजेपी करके अपना थांचा तोड़ा है। सैक्रिफाइस टिप्रासा ने किया लेकिन लीडर ने आज तक एक लीडर ने सैक्रिफाइस नहीं किया। आराम से बैठकर मंत्री बनकर एमएलए बनकर आपका सैक्रिफाइस से लेकर ये लोग ने अपना तोहफा को बेचा। हेलो साउंड आ रहा है? वो करंट काट दिया पावर काट दिया हम लोग का। आज ये कुमलुंग का मीटिंग के लिए पावर काट दिया लेकिन 10 तारीख को पावर में तीव्रता आ रहा है। वो पावर काटने से पावर में कभी भी तीव्रता आ रहा है। आप चिंता मत करो पावर काटने से पावर में आदमी को कोई रोक नहीं सकता। जब दफा अपना तीसरा सा बुबागरा के साथ है हमको कोई नहीं रोक सकता। तो सत्तर साल से ये नेता लोग ने हम लोग का दफा को बांटा। आपको हताई कोतर में रोड ब्लॉकेट कराया 11 दिन तक हताई कोतर में आप लोग रोड ब्लॉकेट करके रखा। हताई कोतर में रोड ब्लॉकेट था आप लोग बिना खाना का बिना पानी का आपने रोड ब्लॉकेट किया। आपने सैक्रिफाइस किया तीपरा लैंड के लिए। क्या मिला रिटर्न में? कोई मंत्री बन गया कोई एमएलए बन गया लाल बत्ती मिल गया सिक्योरिटी मिल गया तीपरा सा को क्या मिला? जीरो कुछ नहीं मिला। सैक्रिफाइस तीपरा सा ने किया लेकिन आज आराम वो लोग नेता लोग उठा रहा है। तीपरा मथा में आपको सैक्रिफाइस थ्रू देने का कोई दरकार नहीं है। बुबागरा अपना सैक्रिफाइस करके और तीपरा सा बलिदान नहीं देगा और हम लोग का गुरु कुमार लोग अपना बलिदान नहीं देगा। बुबागरा जिंदा है। बुबागरा सत्तर साल से इलेक्शन के टाइम आपको रंग देता है। कोई लोगों को झूठ बोलेगा कोई लोगों को चौक देगा। हम लोग टिपरा सा है ठीक है नो प्रॉब्लम।
लेकिन एक चीज आप लोगों को वापस नहीं दिया है, 70 साल से लोग ने रंग दिया है, झूठ बोला है, जोक दिया है, लेकिन आपका हा कभी नहीं दिया। मुबाकरा मुबाकरा भूला नहीं है। मुबाकरा आपको रंग नहीं दे सकता है, आपको बुमा बदल को चिंता करने का दरकार नहीं, बुरे को चिंता करने के लिए आपका बुआ को प्रसाद को चुनाव नहीं देगा, लेकिन मुबाकरा आपको प्रॉमिस कर सकता है कि ग्रेटर तिप्रा लैंड मुबाकरा आपको बना देगा। ये क्या राजनीति, आपका वोट से ये लोग एमएलए बनता है, आपका वोट से ये लोग मंत्री बनता है, लेकिन जब माधवबाड़ी में हम लोग का तिप्रा साहब को गोली मारा जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, यही एमएलए यही मंत्री चुप रहता है, क्यों? जब सीएए पास होता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास होता है, तब पूरा त्रिपुरा में हम लोग आंदोलन कर रहा है, ये मंत्री ये एमएलए असेंबली में बैठकर चुप, क्यों? ये लाल बत्ती, ये मंत्री, ये एमएलए पूरा जिंदगी आपका साथ नहीं रहेगा, ये वफा, ये हा आपका है। हम सबको अनुरोध करता है अपना हा को रंग के लिए, अपना हा को पद के लिए, अपना हा को थोड़ा पावर के लिए मत बेचो, ये हा हमारा मां है, इसको मत बेचो। आज ये लोग बोलता है अनारस, चाइना का अनारस, कोई बोलता है आरएसएस का अनारस, सीपीएम का अनारस, बीजेपी का अनारस, ये लोगों को मालूम नहीं है क्या कि दुनिया में विश्व में नंबर वन अनारस त्रिपुरा का जेन्युइन लोकल, ये जेन्युइन लोकल अनारस है। मुबाकरा को सीपीएम का रंग नहीं चाहिए, मुबाकरा को बीजेपी का मदद नहीं चाहिए, जब तिप्रा साह हमारा साथ है वहां में हम लोग, यहां में हमारा पुरी लोग, कुमार लोग, तिप्रा साह लोग, तिप्रा साह, जब आप लोग सत्य विक्रम माने के साथ है तो मुबाकरा को कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद। चाइना का अनारस, आरएसएस का अनारस, मानिक सरकार बोलता है कि हम बीजेपी का संग अंडरस्टैंडिंग है, आज अलायंस आसाम में सीपीएम कांग्रेस का हो रहा है वहां में आपका अंडरस्टैंडिंग है, पश्चिम बंगाल में सीपीएम कांग्रेस का अंडरस्टैंडिंग है वो आपका सीपीएम अलायंस है, यहां में सत्य विक्रम मानिक्य तब भी सीपीएम से लड़ रहा है, आज भी लड़ेगा, कल भी लड़ेगा। बीजेपी क्या नहीं बीजेपी ने हमको दिया, बीजेपी ने एयरपोर्ट महाराजा के नाम में किया, हम भाई हमको पद ऑफर किया, एमपी ऑफर किया, सरकार में आने बोला, आज भी मुबाकरा बीजेपी के संग नहीं किया, क्योंकि हमारा आइडियोलॉजी, हमारा तिप्रा सा लोग, हमारा तिप्रा सा लोगों को कुछ चाहिए, और जब तक ग्रेटर तिप्रा लैंड नहीं होता है, मुबाकरा कहीं नहीं अपना तिप्रा सा के संग रहेगा। कोई लोग बोलता है आई चैलेंज करी ग्रेटर तिप्रा लैंड होवे ना, आपको हमारा एमपी चैलेंज करता है मुबाकरा को, ग्रेटर तिप्रा लैंड नहीं होगा, आप उनको चैलेंज करो जो बोलता है कि पूरा त्रिपुरा को बांग्लादेश बनाएगा, ये लोग टकर जला में स्लोगन देता है मुबाकरा गो बैक, ये लोग बांग्लादेशी गो बैक नहीं बोलता है, बोलता है मुबाकरा गो बैक, एडीसी में
टिप्रदान बोलता है अगरतला में चुप क्यों, डरपोक है क्या हम लोग? ये वीर विक्रम का नाती ना कभी डरा है ना कभी डरेगा। हमको ना एमपी बनना है, हमको ना मंत्री बनना है, ना हमको आपका रन चाहिए। आप हमारा अधिकार, हमारा हाम है, हमको दीजिए, वरना सीए के लिए सुप्रीम कोर्ट में उपाग्रह लग रहा है, एनआरसी के लिए लग रहा है, और थंचा बुबाग्रा करके रहेगा। यानी जगदीश वर्मा है, जनरल सेक्रेटरी आईटीबीपी, यहां में चित्तो बाबू है, डीएसपी का प्रेसिडेंट था, टिपरा में आया, यहां में अपना उमा है, यहां में रंजीत है टीवाईपीसी से, यहां में ऑल इंडिया एएमपीसी है, यहां में भूतोदय वर्मा है आईपीएफ की टिपरा था, यहां में पदम कन्या ने भी इस पूरा सीट में अपना कैंडिडेट हटा दिया थंचा के लिए, तो यहां में थंचा हुआ है। और बुबागला को नंबर वन एनिमी, एक तरफ से मानिक बाबू रोज महाराजा को अटैक करता है, मानिक सरकार रोज, एक तरफ से असेंबली में एक नेता है असेंबली में बुबागला का नाम लेता है। चलो थैंक यू, हम भाई एटलीस्ट 70 साल में पहला बार बुबागला का नाम असेंबली में आया तो वो क्या बोल रहा है वो लीडर, विचार करते हो, चिंता करते हो कि मेवाड़ टिपरा नहीं, रामपद टिपरा नहीं, ये बोल रहा है। अरे हमने कब बोला कि रामपद टिपरा नहीं है? हमने कभी बोला? हमने कब बोला कि अपना मेवाड़ टिपरा नहीं है? हमने तो नहीं बोला। विचार करते हो, असल में विचार करते हो क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन में आपने जीतते पारबेन ना, ये लोग हम लोग का थांचा से डर गया है, बुबागरा का थांचा से डर रहा है वो। 6 तारीख को आप लोग वोट करेगा कि नहीं करेगा? अनारस को स्वराज को वोट करेगा कि नहीं करेगा? कोई बोलता है कि डाबोरक अनारस को काट देगा, काटने दो, काटेगा तो अनारस सबको मिलेगा। गुबागरा आज भी कुमलम से बोल रहा है कि मैं सबको प्यार करता हूं, एनसी बाबू को आज भी आदर करता हूं, मेवाड़ को भी प्यार करता हूं, जितेंद्र चौधरी को भी प्यार करता हूं, जिष्णु करता काका है मेरा, मैं उसको बहुत इज्जत करता हूं, किसी के खिलाफ बुबागरा एक शब्द नहीं बोलेगा क्योंकि वो लोग भी टिपरासा है, आंगो पुया टिपरासा उन्होंने बुबागरा। लेकिन अगर पावर में आना है, एडीसी में पावर में आना है, तो क्लीन रीजनल अलायंस होना पड़ेगा। इलेक्शन खत्म हो जाए तभी भी हम आईपीएफटी को निमंत्रण देगा, आओ हम लोग का संभाव है, पाताल को पाताल कन्या को मैं निमंत्रण देता हूं, इस मन से निमंत्रण देता हूं, आप आओ सरकार में, आओ नॉमिनेट करके क्योंकि खंचा उसको बोलता है, ये टिपरा मथा सबका है, ये टिपरा मथा आपका है, ये टिपरा मथा जीएमपी का है, ये टिपरा मथा जनजाति मोर्चा का है, ये टिपरा मथा एसटी सेल का है, ये टिपरा मथा आईपीएफटी आईएमपीटी सबका है, क्योंकि ये टिपरा मौका टिपरा सा का है। 6 तारीख को 70 साल से आपको बांटा है, 70 साल से आपको बांटा है, 6 तारीख के लिए सिर्फ 6 दिन बाकी है, सिर्फ 6 दिन बाकी है, ये लोग आएगा हम लोग का झंडा फाड़ देगा, फाड़ने दो, आप लोग झगड़ा नहीं करेगा, टिपरा सा से फाइट नहीं करेगा, हम आपको
10,000 झंडा दे देगा, लेकिन आप पिपरासा से फाइट नहीं करेगा, पोस्टर फाड़ेगा, फाड़ेंगे हम 20,000 पोस्टर दे देता है, लेकिन पिपरासा पिपरासा के संग दंगा नहीं करेगा, क्योंकि दंगा होगा तो बाहर कलर समय के ऊपर हंसता है। उनका राजनीति नफरत का है, मोटरसाइकिल में आएगा, डंडा लेके आएगा। हम लोग का राजनीति प्यार का राजनीति है, जो सब है यहां में, आईएनपीटी हो, आईपीएसटी हो, जनजाति मोर्चा हो, गणमुक्ति परिषद हो, सबको एक करके बुबागरा ये हाथ को वापस लेके रहेगा। 6 तारीख को आपका वोट है, 10 तारीख को, हाँ बुबागरा सुन लिया, 6 तारीख को आपका वोट है, 10 तारीख को रिजल्ट निकलेगा, 11 तारीख को बुबागरा दिल्ली जाकर ग्रेटर टिपरालैंड का मूवमेंट करेगा। विकासों को होंगे और वहां में वो आप लोग यहां में ये चीनी सेक्टर से चीनी भविष्य चुन के भी तला संज्ञा ये लोग पिपरा माथा को खत्म नहीं कर सकता। सबरूम से लेके अंबाता तक, कुमुलम से लेके कंचनपुर तक, कंचनपुर से लेके रायमा वैली तक, करबुक से लेके तेलियामुरा तक, तेलियामुरा से लेके ख्वाई तक, पूरा त्रिपुरा में आईएनपीटी पिपरा माथा का वो नारा 70 साल तक, 70 साल से जो लोग ने हमको कुचला है, 7 दिन के बाद आप लोग जवाब देगा, और ऐसा जवाब देगा कि 2023 में, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन तिप्रहा, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ग्रेटर तिप्रा लैंड, ये हमारा सिद्धांत। और अगर शासन चाहिए तो शासन तिप्रासा का होना चाहिए, इसके लिए गुबागरा बोलता है चीनी हा। गुबक नहीं है, आपने मानते नहीं है, गहना बुद्धि आपने नहीं है, एक साल चीनी हा।